ओम शांति। आज की तारीख है 30/10/22 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 21/11/92 यानी 92। और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कि आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हरेक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई भी फिक्र रह नहीं सकता। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ रह नहीं सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ में नहीं रह सकते। अच्छा अब याद प्यार सुनेंगे। चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाली कर्म योगी आत्माओं को सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं। अंधकार तो हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं तो अंधकार में रह नहीं सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। सभी नोट करेंगे ये बात कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी रह नहीं सकता।
स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अच्छा ओम शांति।